हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप झा। वेलकम टू अकाउंट से आप ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू चेक लिस्ट ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट इन SAP। तो हर फाइनेंस वाले स्टार्टर को या प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि हम SAP में जो है सो अपना लिस्ट बिलिंग का डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम कैसे चेक करें, जो कितने ओपन आइटम में बिलिंग है और कितना बिलिंग क्लियर हो चुका है। तो वो चीज़ चेक करने का आज मैं आपको वीडियो के थ्रू सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो वो लिस्ट हम कैसे डिस्प्ले करें, उसको कैसे डाउनलोड करें और उसको कैसे चेक करें कि कौन सा ओपन आइटम में है और कौन सा क्लियर हो गया। यही सारे चीज़ मैं आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट कैसे देखते हैं। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पे ये लिस्ट ऑफ बिलिंग का डॉक्यूमेंट है। इस पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट देना है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। या यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे तो जो भी रहेगा आपका वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक डबल क्लिक करके आप वहाँ ला सकते हैं। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जो कंपनी के अंदर में जितना भी बिलिंग है ओपन आइटम में वो हम करते हैं। तो ये हम दो तरह का डाटा निकालना है हमें, एक निकालना है ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू और दूसरा निकालना है बिलिंग क्लियर जितना हो चुका है वो वाले बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए। बिलिंग टाइप, अगर आप बिलिंग टाइप भी डाल के निकालना चाह रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं, और अन्यथा आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सारे आ जाएगा कि जितना बिलिंग टाइप है जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सब आपको डिस्प्ले करके आप ये डबल क्लिक के वहां ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसको भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तीसरा, आप चाह रहे हैं कि जो हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर कोड के थ्रू हम अपना कस्टमर कोड का ही लेके आए, किसी एक ब्रांच का लेके आए, हम पूरा कंपनी का नहीं लाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमर वाइज भी डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कोड लिख दीजिए। अगर नहीं पता है आपको तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करके आप ला सकते हैं वो कस्टमर का नाम। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है तो स्टार लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए। ये देखिए जितना कस्टमर है वो सारे आपके स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो गया। अब जो भी कस्टमर का आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना होता है, आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पूरे कंपनी का निकालना है जो कितना ओपन आइटम है। उसी तरह से यहाँ भी आप पेयर का भी अगर देना चाहें तो वो डाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करके आप सर्च कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए। कुछ ने स्टार दबा के इंटर कर देना है, वो आपको विजेबल हो जाएगा। जो चाहिए वो सेलेक्ट करके आप डबल क्लिक करेंगे वो आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। ये देखिए फॉर एग्जांपल, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब बिलिंग डॉक्यूमेंट आप चाह रहे हैं कि हम किसी पीरियड में निकालें, किसी पीरियड स्टार्ट से आज तक का, तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप चाह रहे हैं 1 मंथ का निकालें, 2 मंथ का, आप जो भी डेट स्टार्ट और एंड आपको दिखाना है। तो मैं फॉर एग्जांपल डेट डाल देते हैं क्योंकि बहुत पूरा कंपनी का अगर स्टार्ट से आज तक लेंगे तो बहुत टाइम लेगा तो डिस्प्ले करने में, तो इसलिए कि हम छोटा पीरियड का 1 महीने का ही निकालते हैं। तो यहाँ डेट डाल दिए, इसलिए कि अगर आप चाहें स्टार्ट से इन तो डेट नहीं डालना है और ब्लैंक छोड़ देना है। अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको डालना है तो वो भी आप डाल दे सकते हैं, या यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके पास सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जितना भी आपके कंपनी के रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। जो भी आपको लाना है उसको कुछ नहीं करना, डबल क्लिक कर देना है उस पर। ये देखिए आ गया, तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। पूरे कंपनी का जितना है सारे डाटा हमें डिस्प्ले करना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इसी तरह से, पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके और देख सकते हैं। लास्ट ये देखिए सारे आपके सामने आ गया, जो चाहिए उस पर डबल क्लिक कर देना है। इसको भी हम ब्लैंक छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम ले रहे हैं ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट बिलिंग तो हो गया है लेकिन उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जेनरेट नहीं हुआ, वो
अनक्लियर्ड है, क्लियर नहीं हुआ है, अनक्लियर डॉक्यूमेंट है। तो आप जब बिल करते हैं तो आपको बिल नंबर आ जाता है, तो आप समझते हैं कि बिल हो गया। और जब आप उसका पेंट लेने जाते हैं या उसका लेजर में देखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे लेजर में वो बिल आ नहीं रहे और हमारा पेंट भी नहीं हो रहा है साथ में। तो उस टाइम में वो तब होता है जो वो अनक्लियर, उसमें कुछ ऑथराइजेशन का इशू है जिस कारण वो जनरेट नहीं हुआ उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो वो अनक्लियर डॉक्यूमेंट को हम ओपन बिलिंग के आइटम में आता है, तो उसको आपको इस लिस्ट को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो जितना आएगा तो अनक्लियर डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट तो बन गया इंटरनल, लेकिन उसका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं हुआ जिस कारण वो लेजर में डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है और आप प्रिंट भी नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा होता है बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो ओपन बिलिंग का दिखाते हैं कि जो अनक्लियर्ड है, जो और कुछ ऑथराइजेशन इशू है या कुछ इंटरनल इशू है जिस कारण वो डॉक्यूमेंट तो जनरेट हो गया लेकिन वो इनवॉइस नहीं बना, वो बिल नहीं हुआ, वो लेजर में इफेक्ट नहीं किया। तो वो डाटा पहले हम डिस्प्ले करते हैं। हमने ये कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने के एग्जीक्यूट करना है या F8 की दबाएंगे। ये देखिए हम एग्जीक्यूट कर दिए। ये देखिए डाटा आ गया आपके सामने में डिस्प्ले होके। अगर हमने एक महीने का पीरियड दिया उसके अंदर में इतना अनक्लियर डॉक्यूमेंट है, जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट तो बना लेकिन ये इफेक्ट नहीं किया है लेजर में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, तो डिस्प्ले हो गया, अब इसी चीज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में जाके स्प्रेड शीट में जाएंगे, फिर एक्सेल फॉर्मेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, फिर कंटिन्यू करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ आप सुविधा अनुसार सेव कर सकते हैं। यस, क्योंकि पहले से इस नाम से सेम बना हुआ है इसलिए कि वो दिया है। अलाउ करेंगे, फिर अलाउ करेंगे। अब देखिए ये हमारा एक्सेल में डाउनलोड हो गया। अब इसका हम दे देते हैं, सेव कर लेते हैं पहले। डॉक्यूमेंट नाम का दे दिया हमने अभी। यस, सेव कर लिए। अब देखिए फिर सेप में जाएंगे, अब इसको बैक करते हैं। ये क्या था आपका, आपने ये जो डिस्प्ले किया है ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट किया है, तो इसका शीट का नाम दे दिया हमने ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट, ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो देखिए ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट आप ये लेके आ गए, ये एक शीट मैंने सेपरेट बना दिया। अब इसी तरह से अब हम जो है, तो ये तो अनक्लियर डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास। अब जो क्लियर डॉक्यूमेंट है अब उसको भी हम डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग से दिया है सब कुछ सेम ही रहेगा, केवल करना क्या है, तो इसको बिलिंग डॉक्यूमेंट इन F5 पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है और एग्जीक्यूट कर देना है। हमने एग्जीक्यूट कर दिया या F8 की करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए डिस्प्ले हो गया आपके पास, आ गया ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सो क्लियर डॉक्यूमेंट है। अब इसको हम इसको भी डिस्प्ले कर देते हैं। ये डिस्प्ले तो हो गया, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। स्प्रेड शीट में एक्सपोर्ट में जाएंगे, स्प्रेड शीट में गए और फिर इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। आप सुविधा अनुसार सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं सेव,
यस ओवरराइट करने के लिए। हेलो हेलो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सारे सेव कर ले रहे हैं। कंट्रोल पहले कॉपी करेंगे और इसी में दूसरा एक शीट बना लेते हैं, इससे आपको समझने में आसान रहेगी। ये देखिए सेव कर लिया हमने, यहाँ पे लेके आ गया और सेव भी कर लिया। इसका भी नाम दे देते हैं जो इसमें है, जिससे आपको समझने में आसान होगी। बैक करते हैं, यह है बिलिंग डॉक्यूमेंट इन FI। बिलिंग डॉक्यूमेंट FI। अब देखिए, अब आपको हमने ये बता दिया कि दो तरह से आप बिलिंग डॉक्यूमेंट जो है डिस्प्ले और डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लियर जो भी ओपन आइटम में है वो सारे आप कर लेंगे, जो अनक्लियर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो बन गया लेकिन वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर डॉक्यूमेंट है, उसमें ऑथराइजेशन इशू है या कुछ इशू है जिस कारण अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं बना, तो ये ओपन बिलिंग के डॉक्यूमेंट में है। और जो डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो इनवॉइस बन चुका है, वो क्लियर आइटम में, तो दोनों डाटा हमने अलग कर दिया। अब आपको ये हो है कि जो आप चेक कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लियर है और ये क्लियर नहीं है। तो देखिए हम यहाँ से बैक होते हैं इस ऐप में। अब यहाँ पे एक टी कोड है BF02, जिसमें हम डिस्प्ले करके देखेंगे कि ये क्लियर है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे पहले ओपन वाले लेते हैं, ये देखिए इनका डॉक्यूमेंट नंबर ये है, कॉपी किए बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर और यहाँ पे दे दिए बिलिंग डॉक्यूमेंट में, फिर इंटर कर दिए। ये देखिए आ गया आपके पास, ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस F4 भी करेंगे तो डिस्प्ले होगा, तो इसको अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। ये क्या लिख रहा है, द कंटिन्यू डॉक्यूमेंट हैज नॉट येट बीन क्रिएटेड, माने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ये देखिए क्लियर मैसेज दे रहा है कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हैज नॉट येट बीन क्रिएटेड, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट हुआ है, वो कुछ ऑथराइजेशन का इशू है या कुछ इंटरनल इशू है जिस कारण वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो आप फिर अपने फाइनेंस टीम से और SAP टीम से आपको उसके लिए मेल करना होगा, उनसे फिर ये करके सॉल्व करवाना होगा। तो ये देखिए, ये आप इस तरह से चेक कर लिए कि इसका अकाउंटिंग नहीं है, ये अनक्लियर डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से आप दूसरा भी देखेंगे सेम चीज़ है, ये देखिए इस पे भी दिखाते हैं, अकाउंटिंग पे क्लिक किए, देखिए सेम मैसेज फिर आ रहा है, ये सारे के सारे अनक्लियर डॉक्यूमेंट है, मैंने ओपन आइटम में पड़ा हुआ है जो कि क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। एक तो इस तरह से ये चेक कर लिए, आपको पता चल गया कि इसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, जिसका ये लेजर में इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं जनरेट हुआ है। अब दूसरा देखिए क्लियर वाले, अब ये बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, अब ये मैं एक कॉपी कर ले हूं। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे फिर अकाउंटिंग पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये जनरेट हो गया। आप बिल करेंगे, इसका लेजर में जाएंगे, सारे आपको इफेक्ट मिलेगा, वहाँ दिखेगा आपको, लेकिन अनक्लियर वाला नहीं दिखेगा, ओपन वाला नहीं दिखेगा लेजर में आपको। एक आपने देख लिया अकाउंटिंग जनरेट है ऑलरेडी, दूसरा फिर एक लेते हैं, फिर इंटर किए, यहाँ पे देखिए
अकाउंटिंग, ये देखिए अकाउंटिंग है, इस पे देखिए डबल क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में भी जाके आप देख सकते हैं। देखिए ये सारे आपका देखिए बना हुआ है लेजर में, आप सब कुछ आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए इसका ये क्लियर भी हो चुका है 21 फरवरी 2019 को। सारे डाटा आप क्या डॉक्यूमेंट है सब यहाँ पे डिटेल आपको देख सकते हैं इस तरह से। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि क्लियर और अनक्लियर डॉक्यूमेंट, ओपन ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट और बिलिंग डॉक्यूमेंट इन FI दोनों में डिफरेंस समझ हो गए। एक अनक्लियर है जो कुछ ऑथराइजेशन का इशू है या कुछ इंटरनल इशू है जिस कारण वो डॉक्यूमेंट तो जनरेट हो गया लेकिन वो इनवॉइस नहीं बना, जिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं जनरेट हुआ जो लेजर में इफेक्ट नहीं किया, और दूसरा है एक क्लियर डॉक्यूमेंट जो क्लियर हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट बन चुका है और क्लियर भी हो चुका है और वो लेजर में सारे इफेक्ट भी हो रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप दोनों को डिस्प्ले पहले SAP में कर सकते हैं और दोनों को डाउनलोड करके और इस तरह से आप चेक करके समझ सकते हैं। दूसरा एक और है आपको देखने का, आप डायरेक्ट भी चाहें, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपको स्टार्ट से जितने भी हैं कंपनी के अंदर में वो सारे एक साथ में देख सकते हैं या आपका ब्रांच का एक साथ में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक टी कोड है इसी में BF03, यहाँ पे अगर आप 1x1 करके डिस्प्ले करके देखना चाहें आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है सो डिस्प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उस चीज़ को आपको मैंने चेक करके भी दिखा दिया है कि किस तरह से आप चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि हाउ टू चेक बिलिंग डॉक्यूमेंट इन SAP। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और बिलिंग से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे अकाउंट से आप ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप बिलिंग कैसे करते हैं उसके बाद और भी डिस्प्ले डॉक्यूमेंट कैसे देखते हैं, लेजर कैसे देखते हैं, बहुत सारे वीडियो कम से कम 31 से ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, सारे प्रोसेस रिलेटेड है, वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में, नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।